Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nang Bande Radhika Charanodayam Gopijana Samayuktam Bindavanam Manohar Vāñcākalpataruvasya-kipāsindhu-bhivacha Patitānaṁ pāvane-bhavaiṣṇavibhyo namo namah Mokaṁ karoti vācālaṁ pangung langhaitikiram Yat-kipātamahaṁ vandhi paramānanda-mādhavam Vindhāvai tulside vipiyāvai kesavasya Sna-bhakti-pade-devi-sattva-tvai namo namah Narayana namaskritta naran chaiva narattama Deving saraswating vasam tato jayo madire Sankirtane krishna katopadesh Gauriya patrasya prakasanecha Sadanurakta guru bhakti yukta Bhakti pramadaksha jagodgaran Deyam sada paribhavagna bhavishyadoham Tethas padam siva virinchinutam saranyam Bhetatiham panatapal bhavadipotam Bande mahapurusate charana ravindam Yat pada pallava nakhachanda mani chataya Visvurijita kamapikapavadu swadars Purana Nuragara Sathagara Saramurti Saradhikami Kadakibam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siyadvaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Ajānulambita bhujo kanuka bodhato Sankirtanaikavitaro kamala yatakshu Vishambaru dujavaru jogadharma palo Bande yagat priyakaru karuna bhataru Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare. Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura surair vandito dibba rupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavan rupen sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tovam bhagam Narayano priyamanangamada puharam Varanasi purapati bhajavi shanatham Vagi shajasya badane Lakshmi rijasya bhakshashi Yasyasti hide sambhid Tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram,
राम राम हरे हरे। जावत् लिंगान्वितो हि आत्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्ययः क्लेशो मायाजोगो अनुवर्तते। यावत् लिंगान्वितो हि आत्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्ययः क्लेशो मायाजोगो अनुवर्तते। गौरी गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, जिस समय हमारा सामने हमारा रक्षाकर्ता कोई नहीं रहे, हमको बचाने वाले कोई नहीं रहे, इस समय उस समय चारों ओर का वातावरण भयंकर रूप धारण करके हमारा ऊपर टूट पड़ेंगे। सराउंडिंग सिचुएशन, पारिपार्श्विक परिवेश, ये सब हमारा शत्रु बन जाए और हमारा ऊपर आक्रमण करने के लिए टूट पड़ेंगे। गौरी गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, जिस समय हमारा सामने आजू बाजू में हमारा रक्षाकर्ता कोई नहीं रहे, उस समय सराउंडिंग सिचुएशन, पारिपार्श्विक परिवेश जो है दुश्मन जैसा हमको आक्रमण करने लेके टूट पड़ेंगे हमारा ऊपर। इस समय वास्तव साधु गुरु वैष्णव का हरि कथा मृतो हमको बचा सकता है। हमारा रक्षाकर्ता एकमात्र गुरु वैष्णव है और शत्रु कौन है? शत्रु है काम एष क्रोध एष रजोगुण समत भवः महाशन महापत्ना विद्धि न मेनम वैरियम वैरिणम। यही मेरा दुश्मन है। बाहरी जगत में दुश्मन ढूंढने के लिए बहुत प्रयास प्रचेष्टा में लगे रहते आदमी, लेकिन भगवान उत्तर दिए जब अर्जुन प्रश्न किए कौन है, जीवात्मा बद्ध जीव का अंदर में हर वक्त खराब काम करने का कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी कैसे होता, अनिच्छन्नोपि वार्षीय बलादिव नियोजित, कोई इच्छा नहीं होते हुए भी कौन सी ऐसा फोर्स है, पावर है जो जोर जबरदस्ती जीवात्मा को पाप कर्म में खराब कर्म में लगा देता है, कौन है? अनिच्छन्नोपि वार्षीय बलादिव नियोजित। इसका उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बताएं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समत भवः महासन महापापमा विद्धिनम एनम भैरिनम। इसी को शत्रु मन के समझना। परम गुरु वैष्णव जो है हमको, हमारा रक्षाकर्ता, हमको बचाने वाले कौन है? त्रिगुण का प्रभाव से ये जो काम एष क्रोध एष रजोगुण समत बताना, इसका भी ओरिजिनल ढूंढो तो इसका कारण है प्राकृतिक का त्रिगुण, जिस विषय में चर्चा हो रहा है 14 अध्याय में। ये जो प्रकृति का जो त्रिगुण है, 17 जो तमगुण, कैसे कैसे त्रिगुण का प्रभाव से बद्ध जीव अपना याददाश्त खुद बैठता है और न जाने कैसे कैसे बद्ध जीव एक पे एक गलतियां करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान मंगलमय है, भगवान का कोई भी व्यवस्था है
इसमें अमंगल हो नहीं सकता। हमको लगता है कि अमंगल हो रहा है मेरा, लेकिन भगवान के व्यवस्था में कोई अमंगल नहीं है। अपना अपना कर्मफल के अनुसार जिस अवस्था में मैं आप आज पहुंचा, ये सारे भगवान का मंगल ही है, मंगलमय व्यवस्था। भगवान का व्यवस्था में कोई अमंगल नहीं रह सकता, संभव नहीं। भगवान दयामय है, दयामय का हर एक्शन, कोई भी चीज दयामय, भगवान दयामय, दयामय का सारे व्यवस्था जो है ये सारे मंगलमय है, सारे मेरा मंगल के लिए ही है। जो कुछ भी हो रहा है चारों ओर, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हुआ है पहले, तमाम हमारा मंगल के लिए हुआ है, सब हमारा मंगल के लिए हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर हर चीज भगवान के द्वारा ही किया। ये हर क्रियाकर्म में, हर अवस्था में भगवान का मंगल देखने का जो व्यवस्था है, भगवान का मंगल अगर देखे तो अच्छा है, ये कोई आसान बात नहीं है। भगवान जिस व्यक्ति को अपना उसका पूर्व कर्म फल के अनुसार जिस अवस्था में पहुंचा हुआ है वो जीवात्मा, भगवान जिसको जैसे जिस हालत में रखे, इसमें खुशी होके आनंद से उसको स्वीकार करना जरूरी है। इसमें कोई, क्योंकि भगवान का जो माया है ये भी तो भगवान का ही है। भगवान का जो माया देवी है इस जगत में, माया देवी के जो पनिशमेंट है, माया देवी जब पुरस्कार देती है, माया देवी जब पुरस्कार देती है ना, उस समय अच्छा, माया देवी का पनिशमेंट जो है वो अच्छा नहीं लगता। माया देवी की व्यवस्था जो है इनडायरेक्टली भगवान के द्वारा ही है, जिसका बारे में ब्रह्म संहिता में बताया था ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वो जस भुवन विवर्ति दुर्गा इच्छा रूपम पी चेष्ट तेसा गोविंदवादी पुरुषम तमाम भजाम। भक्तिविनोद ठाकुर जी माया देवी का व्याख्या, माया क्या चीज है इसका बारे में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने व्याख्या की, माया क्या चीज है इसका बारे में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने व्याख्या करके बताई। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए भगवान का स्वरूप शक्ति, भगवान का जो अंतरंगा शक्ति स्वरूप शक्ति, ये वास्तव शक्ति है। भगवान का अंतरंग शक्ति स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन स्वरूप शक्ति अंतरंग शक्ति नहीं रहने से जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती है, इसका नाम माया शक्ति, छाया शक्ति इसको है? तो मायादेवी का जो, मायादेवी की जो पनिशमेंट है इस समय तो अच्छा नहीं लगता। माया देवी का जो पुरस्कार है, माया देवी लॉटरी में है 10 लाख रुपया मिला, उस समय मान, जब माया देवी का पनिशमेंट है उस समय अच्छा नहीं लगता, उस समय अमंगल लगता है, भगवान को अमंगल, भगवान का स्वरूप को अमंगल दिखता है। सब सारे भगवत का, भगवान का इच्छा, ये सहनशीलता जरूरी है। तमाम सिचुएशन में भगवान का कृपा समझ के बहुत सहन क्षमता लेकर, गुरु वैष्णव का कृपा लेकर जीवन जिंदगी को चलाना है। प्रभात कहते हैं श्री नृसिंहदेव हर वक्त भक्त लोगों को, श्रीमन नृसिंहदेव हर वक्त भक्त लोगों का जो अमंगल जो है
अमंगल से हर वक्त बचाने के लिए नृसिंहदेव हर वक्त अमंगल को हटा देते हैं। पहले कर्मफल का अनुसार अगर मैं अस्वस्थ हूं, ये भी भगवान का कृपा है। प्राप्तन कर्मफल, पहले का कर्मफल का अनुसार शरीर अगर अच्छा चले तो बुरा चले, तबीयत ठीक है नहीं है, सुस्त है अस्वस्थ है, ये सारे भगवान का ही कृपा है। सुस्त रहने से सुस्त रहने से गुरु वैष्णव को अगर अपमान करने की इच्छा पैदा होती है, सुस्त रहने से मैं अच्छा हूं है? इस समय विमुख होना कोई असंभव बात नहीं है। प्रभुपाद श्रील बामन गोस्वामी महाराज जी को भी ये प्रश्न करते, इतना भजन करते रहते हैं इतना तब अस्वस्थ क्यों क्यों बीमार पड़ जाते बामन गोस्वामी महाराज उत्तर देते थे, भजन का साथ अस्वस्थ अस्वस्थ होने का भला बुरा इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भजन जो है स्वरूप का वृत्ति है भजन, और शरीर अगर सही रहे ना रहे ये तो अलग बात है। तो ये भी एक मायादेवी की जादू है, तबीयत अगर खराब होए तो जो पखंडी व्यक्ति है वो सोचने लग जाएगा कि ये तो प्राकृत शरीर है, मेटेरियल बॉडी है, हमारा मापी के बीमार पड़ जाते गुरु जी, ये अच्छा ही सब अच्छा है। सो प्रभात कह रहे हैं कि प्राप्तन पहले का कर्मफल का अनुसार कभी अगर कोई सुस्त रहे असुस्थ रहे, असुस्थ रहने से अगर मेरा मन में ये अहंकार आ जाए कि मेरा शरीर ठीक है और हरि विमुख होने का लिए चांस रहता है कि शरीर सुस्त है, शरीर अगर सुस्त रहते हैं तो भोग एंजॉयमेंट करने का बहाना एंजॉयमेंट करने की इच्छा पैदा होगी। ऐसा करके कृष्ण विमुख होने का हर हालत में चांस है। हर हालत में तत्वानुकंपा ये अनुभव करके अगर गुरु वैष्णव का अनुगत में हरि भजन करते रहे तो संसार समुद्र का पार प्राप्ति होना कोई असंभव नहीं है। जो श्लोक दे के शुरुआत किया था ये श्रीमद् भागवत जी महापुराण का सेवेंथ कैंटो का ये पहले सेवेंथ कैंटो का शुरुआत में ये है, ये श्लोक में जावल लिंगन नितो ही आत्मा तावत कर्म निबंधनम ततो विपर्ययो क्लेशो माया जोगो अनुवर्तते। ये असुर है, ऐसे तो भागवत जी महापुराण में टॉप टू बॉटम कोई भी चीज है, किसी का भी प्रसंग है, ये सारे अमृतमय है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हेय वस्तु है। भागवत जी महापुराण शुरू से लेकर अंतिम, फिर भी ये विचार बताने के लिए ऐसा ये हिरण्यकशिपु का ये प्रवचन है। हमारा कौन सुने हिरण्यकशिपु का प्रवचन ये हिरण्यकशिपु का प्रवचन है, लेकिन ये भागवत जी महापुराण में है। तो इसमें जो ये जो जावल लिंगन तो ही आत्मा तावत कर्म निबंधनम ततो विपर्ययो क्लेशो माया जोगो अनुवर्तते, इसका साथ हमारा चर्चा का संबंध है, इसीलिए उठाया। और अच्छा, जब तक आत्मा लिंगान्वितो माने मतलब ये आत्मा जो है, बहुत बार चर्चा हो चुका पहले, शुद्ध जीवात्मा का साथ माया का प्रकृति का कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका माया का जो इसका ऊपर जो एक तो लेयर कवरिंग हो जाता, होने के बाद क्या होता है, लिंगान्वितो लिंग शरीर जिसको बोलता है, मोटा शरीर, ये बाहर का शरीर मोटा शरीर है और सूक्ष्म शरीर, उसका बारे में बहुत बार चर्चा हुई, मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर, इसको लिंगो शरीर माना जाता है। लिंगो शरीर किस लिए,
लिंगो शरीर इसीलिए माना जाता है लिंग शरीर, क्योंकि ये दूसरा, ये शरीर छोड़ने का बाद दूसरा शरीर प्राप्ति कराने के लिए ये लिंग शरीर रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए लिंगन नहीं तो लिंग मतलब चिन्ह इसका है ना। तो जावत लिंगन नितो ही आत्मा, जब तक ये आत्मा लिंगन नितो लिंग शरीर के द्वारा प्रभावित है तब तक कोई कोई रास्ता नहीं है। जावत लिंगन नितो ही आत्मा तावत कर्म निबंधनम, तब तक उसको अपना भला बुरा कर्मों को करना ही है, अपना भला बुरा कर्मों को करना ही है, उससे कोई छुटकारा है नहीं। जावल लिंगन नितो ही आत्मा दावत कर्म निबंधनम ततो विपर्य, उसका बात ही ये लिंगन नितो आत्मा लिंगो लिंगो देहो के द्वारा प्रभावित होने के कारण जितना सारे क्रियाक्रम कर रहे हैं इसमें जितना सारे विपर्यय होता है ततो विपर्य क्लेश इतना कष्ट, क्योंकि लिंगन नितो है आत्मा का साथ जो प्रकृति का कोई संबंध नहीं, फिर भी लिंगान्वित होने के कारण ततो विपर्य, इसके कारण जितना सारे विपर्यय हो रहा है और क्लेश जितना सारे कष्ट होता है, क्लेशो माया जोगो अनुवर्तते जन्म जन्म, जब तक लिंगो शरीर, जब तक लिंगो शरीर रैप्चर न हो जाए, लिंगो भंगो होय अनायासे, भक्तिमय ठाकुर के कीर्तन में है जय जय हरि नाम, एक कीर्तन में चिदानंद मृतो धाम, ये कीर्तन का अंदर में है, जब तक लिंगो भंगो लिंगो शरीर को रपचर चूर चूर ना हो जाए तब तक जीवात्मा का कोई रास्ता नहीं खुले, कोई रास्ता नहीं है। हंस गीता इस बात को काल हो सके तो चर्चा करें। हंस रूपी भगवान सनंद सनातन सनत कुमार आदि जो चतुर्सन हैं, चतुर्सन जी प्रीतमा विंग ब्रह्मा तथा पिताजी के साथ प्रश्न किए, ये एक कैसे संभव है, ये आत्म वस्तु आत्मा का साथ प्रकृति का माया का कोई प्रभाव नहीं, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी चित्त में विषय और विषय में चित्त कैसे अनुप्रविष्ट होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, अगले हफ्ता इस चर्चा हुआ था चतुर्दश अध्याय में, ये ईदम ज्ञानम उपाश्रित्व ममो साधर्म आगता स्वर्गे योपी नोपयंते प्रलये न व्यथयंती च, इस तक चर्चा हुआ था। और साधर्मों का व्याख्या किया, साधर्म क्या है, साधर्मों का माने हैं वो जो भगवान जो गुणातीत अवस्था है, भगवान का जो गुणातीत अवस्था है पुरुषो प्रकृते परे है, भगवान जो गुणातीत वस्तु है और ये जो जीवात्मा भी है चिन्मय आत्मा, ये भी गुणातीत वस्तु हो जरूर है, फिर भी अभी माया का प्रभाव से ये पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ जो भगवान ने वादा की, जो मैं जो अभी जो उत्तम ज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये ज्ञान समझने का बाद अनुभव करने का बाद प्रलय का समय भी कोई कष्ट नहीं मिलेगी और मेरा साधर्म मिलना है। साधर्म का मतलब प्रकृति का परे अर्थात प्रकृति का जो प्रभाव है इसके बाहर अर्थात चिन्मय भूमिका में पहुँचे अनुभव करेंगे, जीवात्मा अपना चिन्मय भूमिका को अनुभव करेंगे। ऐसे तो चिन्मय है ही है लेकिन अनुभव में नहीं है, तो मेरा
भगवान कह रहे हैं कि ममो सद्धर्म आगत, ये मेरा सद्धर्म समान धर्म को प्राप्त करे, अर्थात मैं गुणातीत हूँ और वो भी गुणातीत अवस्था को अनुभव करेंगे। उसका बाद तीन नंबर श्लोक में चर्चा हुआ, ममो जनिर महत ब्रह्मो तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति वार्ता। ममो जनिर महत ब्रह्म, या जो महत ब्रह्म जो है, ये महत ब्रह्म क्या है? भगवान जो कह रहे हैं ममो जनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दध्याम्यहम, ये जो ममोजनिर महत ब्रह्म क्या है, आ इसमें मैं गर्भ आधान करता हूँ। गर्भ आधान करने इसका भी माने क्या है? ये तो प्राकृत जो मेटेरियल जगत में जो एक्सपीरियंस है ये तो कभी नहीं हो सकता भाई। इसका एक ये तो एक उदाहरण है ऐसा। तो ममोजनिर महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानं ततो भवति भारत। ये मामो जनिर महत ब्रह्म, ये इसमें मैं गर्भ आधान करता हूँ। बीज रोपण करने का बाद ये प्रकृति से संभव सर्वभूतानं, जितना सारे तमाम जीवराशि हैं, जब अव्यक्त अवस्था में तमाम जीव राशि जो है जीवात्मा है महाविष्णु का गर्भ में अव्यक्त रूप में रहने का बाद, जब महाविष्णु का सृष्टि का समय आयत, उस समय में भगवान अपना जो प्रकृति है, प्रकृति का जो शैडो है, उसमें शैडो मतलब मेटेरियल प्रकृति, ये ममो जनिर महत ब्रह्म, और इसमें मैं गर्भ आधान कर देता हूँ। इसके बाद तमाम जीवों का जो शरीर जो है, ऐसे तो जीवात्मा नित्य है ही है, लेकिन अव्यक्त अवस्था में चले जाते। तमाम सृष्टि जब विनाश होने का बाद तमाम जीवात्मा जो परम कुर्व कर्मफल के अनुसार महाविष्णु का अंदर रहने का बाद, फिर जब नया शुरू होने का समय, उस समय भगवान का जो दर्शन दृष्टि है, इसके द्वारा ये जो प्रकृति का अंदर अर्थात महत्तत्व तो क्या चीज है सब चर्चा करेंगे। जरा प्रकृति का मूल तत्व जो है, ये जो जड़ा देखने में जड़ा प्रकृति है, कि जरा प्रकृति भी लगता है कि इसके अंदर प्राण है, और कैसे कैसे काम करते रहती है, इस बारे में चर्चा हुआ। जरा ठाकुर जी कहते हैं, भक्तिमय ठाकुर, जरा प्रकृति का मूल तत्व जो है, ये जगत का मातृ योनि सदृश, और भगवान कह रहे हैं ऐसे तो भगवान छोड़ के कुछ चीज है ही नहीं। ऐसे अद्वैत ज्ञान तत्व का बारे में विचार करो तो भगवान छोड़ के कुछ है ही नहीं। जितना सारे हैं अलग अलग टाइटल लेके, लेकिन भगवान छोड़ के कुछ है ही नहीं, चाहे शक्ति कहो या भगवान कहो, शक्ति शक्ति मतुर अभेद। तो जरा प्रकृति का मूल जो तत्व है, था भक्ति कह रहे हैं ये जगत का मातृजनित्व, और मैं इसी जगत जनी, इसका नाम है प्रधान, प्रधान संज्ञक ब्रह्मों में, ये ब्रह्म है प्रधान संज्ञक जो ब्रह्म है, इसमें गर्भोधान कर देता हूँ मैं। प्रधान का मतलब है इंग्रेडिएंट मटेरियल मसला। जैसे मेरा शरीर बना हुआ है, शरीर का मसला क्या है? खित्या बो तेज मरुद एक्सेट्रा है। तो ये प्रधान जो है
भगवान कह रहे हैं कि प्रधान संगक जो मेरा ब्रह्म जोनी है, इसमें गर्भधान करने का बाद उसका बाद तमाम जीव जो है भगवान महाविष्णु का दर्शन करने के साथ साथ अनंत जीव राशि प्राकृतिक कर्म में संचारित होने के बाद फिर एक एक अपना कर्मफल के अनुसार अलग अलग सा शरीर पकड़ के व्यक्त अवस्था में आ जाते। मतलब पहले आप व्यक्त है, बीच में व्यक्त है, आई बात समझ में। पहले अव्यक्त अवस्था में दिखे सृष्टि का पहले दिखाई नहीं पड़ता, अव्यक्त अवस्था में जीवात्मा सब है, जीवात्मा मरता है। उसके बाद सृष्टि के समय में व्यक्त अवस्था में, और फिर प्रलय का महाप्रलय के समय में फिर अव्यक्त अवस्था में चले जाए, ये अवस्था है। ये जो महत्त्व बोल के जो चीजें जो वर्ड है, इसका मतलब है द पॉसिबिलिटी। ये सृष्टि का जो पॉसिबिलिटी है, काम है ना, कामना से उत्पत्ति होता है ना, तो ये जो पॉसिबिलिटी है इसको महत्त्व बोला जाता है। ये धीरे धीरे महत्त्व से धीरे धीरे कैसे कैसे क्या सृष्टि का ना उन्मोचन, ये बड़ा सुंदर। सो मैं भगवान कह रहे हैं कि मैं ये जगत जनी रूप प्रधान संगक ये ब्रह्मो ब्रह्मो में अर्थात गर्भ ब्रह्मो में मैं गर्व आधान कर देता हूँ। इसके द्वारा ही अनंत जीव जितना सारे जीव है ये उत्पत्ति का रास्ता में भागते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो परा प्रकृति है ये परा प्रकृति का शैडो है। पहले भी ये व्याख्या की, मेरा परा प्रकृति का जड़ो भाव, मेरा परा प्रकृति का जो जड़ो भाव जो है वही ब्रह्म रूप में इधर है, और इसके द्वारा ही वही परा प्रकृति ततुष्ट भावगतो जो जीव जो अनंत ततुष्ट जीव सब है ये सब आधान कर देता हूं मैं इसका गर्भ में, इसकी गर्भ में, और इसके द्वारा ही ब्रह्मा से लेकर चेंटी तक समेत तमाम जीवों का जितना सारे शरीर हैं, चाहे उच्च कोटि जीव हो कुछ भी हो, तमाम पैदा होता है धीरे धीरे। तो ये जो है महत ब्रह्मो परमेश्वर का जो जोनी है, गर्भधान का स्थान है ये महत ब्रह्मो, इसका नाम है प्रधान। पहले बता प्रधान संगक प्रकृति। प्रकृति टू फोल्ड है, प्रकृति का टू फोल्ड फंक्शन है, एक जरा प्रकृति का एक है, एक प्रधान संगक जो है मैटर है, और एक निमित्त कारण है। निमित्त प्रकृति महत ब्रह्म शब्दवाच्य जो है इसमें उत्पत्ति का कारण जो है धीरे धीरे। महत ब्रह्म का मतलब परमेश्वर का जोनी है बा गर्भधान का स्थान है। इस यहाँ प्रधान संगक प्रकृति, प्रधान संगक जो प्रकृति है इसी को ही महत ब्रह्म बोला गया यहाँ। और गर्भो मतलब है परमेश्वर का ततस्था, जितना सारे जीव हैं संभूत जीव, पूर्व संस्कार के अनुसार महाविष्णु के अंदर जो समाया हुआ था ये समाम जो जीव सर्व पानी बीज, और ये बीज जो है गर्भों का अंदर में उत्क्षेपण, माना मतलब गर्भ में संचारित हो जाते ऐसा करके। इसके द्वारा क्या होता है चैतन्य चरितामृत में बताया, सही पुरुष माया पाने करे अवधान, सही पुरुष माया पाने माया का ओर अवधान करते हैं सही पुरुष, और
सही पुरुष माया पाने करे अवधान प्रकृति क्षोभित करी करे वीर्जेर आधान। प्रकृति को क्षोभित करके इसके अंदर वीर्य को आधान कर दे ऐसा करके। सांगो विशेषाभास रूपे प्रकृति स्पर्शन, ये महापुरुष का साथ महाविष्णु का साथ प्रकृति का डायरेक्ट कोई कांटेक्ट संभव नहीं, क्योंकि भगवान चिन्मय है, ये जड़ा प्रकृति है। लेकिन आभास संग का आभास मात्र से जीव रूप बीज जितना सारे सूक्ष्म जीव है इन द फॉर्म ऑफ लाइट बीम, भगवान अगर महत ब्रह्मों का ओर देखने का साथ साथ दृष्टि देने का साथ साथ तमाम जीव राशि जो है पूर्व संक पूर्व कल्प में ये महत्जोनी अर्थात महत्जोनी के अंदर गर्व आदान कर देते हैं भगवान दृष्टि निक्षेप का साथ साथ। ये जो दृष्टि निक्षेप का साथ साथ इसका माने ये है जिसको द्वादश ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग क्या है ये ब्रह्म संगीतों में बताया गया, जा जोनि सा पराशक्ति ही, ब्रह्म संगीतों में बताया गया जा जोनि ही सा अपराशक्ति ही, ये बताया। और सृष्टि कामना युक्त होकर संकर्षण सृष्टि कामना युक्त संकर्षण जो है, सृष्टि कामना युक्त जो संकर्षण है ये प्रपंच उत्पादनमुख कृष्ण अंश है। ये कारण बारी में आद्यावतार पुरुष रूप में शयन करके रहते हैं और माया का ओर देखते हैं। इक्षण मत देखना, शयन करके सृष्टि का समय माया का ओर माया को क्षोभित करके एजिटेटेड करके उसका ओर देखने के साथ साथ ऐसे इक्षण सृष्टि का ये जो इक्षण है ये जो देखना है ये निमित्त कारण है। ये जो इक्षण ईश्वर का जो इक्षण है जिसके द्वारा तमाम जीवराशि चिन्मय जीव तमाम प्रकृति के गर्भ में संचारित हो जाते हैं, इसका नाम है निमित्त कारण, क्योंकि भगवान के साथ डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं। तत्प्रतिफलित हो भगवान के द्वारा प्रतिफलित जो ज्योति का जो आभास है ये सम्मूल लिंगो ज्योतिर्लिंगो द्वादश, और इसको बोला जाता है लाइट बीम ज्योतिर्लिंगो द्वादश ज्योतिर्लिंगो सारा भारत में है। और जो गर्भ है योनि है इसका बारे में बताया गया, जो भगवान का ही रमा शक्ति का जो छाया रूपिणी छाये वजस्व बोला ना, छाये वजस्व भुवना ने विवर्ति दुर्गा, ये छाया रमा शक्ति का छाया रूपा ये माया शक्ति का गर्भ है। इसमें आधान होने का बाद गर्भ संचालित होने का बाद उस समय महत्त्व रूप काम बीज का आभास आके सृष्टि उन्मुख हो जाते। अर्थात महत्त्व क्या है, महत्त्व मीन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन। ये समय जगत जब गर्भ आधान हो जाते हैं इस समय महत्त्व रूप काम बीज ये न संगता ब्रह्म संगीता में यहाँ अप्राकृत काम बीज अप्राकृत कामदेव और यहाँ प्राकृत यहाँ छाया शैडो प्राकृत व अप्राकृत कामदेव भगवान है और यहाँ महाविष्णु सृष्ट काम का ये जो महत्त्व रूप काम बीज का आभास इस सृष्टि कर्म में प्रवृत्त हो जाता। अर्थात ये जो महत्त्व है महत्त्व मीन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन सृष्टि का संभावना है। उस समय महत्त्व रूप काम बीज का आभास आकर सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, धीरे धीरे सृष्टि रचना का शुरुआत हो जाते हैं। महाविष्णु सृष्टो काम का प्रथम उदय में
महाविष्णु महाविष्णु सृष्टो का महाविष्णु सृष्टो काम का प्रथम जो फर्स्ट स्टेज जो है इसको हिरण्मय महातत्व बोला जाता है। महाविष्णु से सृष्ट काम का जो प्रथम उदय फर्स्ट जो प्रकाश है ये हिरण्मय महातत्व बोला जाता है इसको हिरण्यगर्भ हिरण्मय महातत्व। मेटेरियल शरीर में जड़ शरीर में मन का जैसे फंक्शन है मन कामुक हो जाने के बाद काम में लग जाता है काम को हासिल करने के लिए ऐसा ही ये जो हमने बताया महाविष्णु सृष्टो महाविष्णु सृष्टो काम जो है यही पहला सृष्टि का जो पहला जो इच्छा उदय सृष्टि के जो प्रथम स्टेज जो है इसको हिरण्मय महातत्व बोला जाता है और इसी को ही सृष्टोन्मुख मनोरूपी तत्व जैसे मन में काम हुआ तो तमाम मायामय वस्तु है हमारा मन भी मेटेरियल है मन का अंदर में काम भोग करने का कोई इच्छा पैदा हुई तो ये मन के द्वारा मन सहयोग करे तो संभव है तो इसको इट कैन बी कंपेयर्ड विथ जस्ट लाइक माइंड। इसी को ही सृष्टोन्मुख मनोरूपी तत्व बोला जाता है। इसमें गहरा रहस्य ये है जो निमित्तो और उपादान निमित्तो उपादान दोनों लेकर ही पुरुष का सृष्टि इसमें रहस्य ये है। इसमें गहरा विचार ये है कि निमित्तो और उपादान निमित्त कारण बताए हमने महाविष्णु देखते रहते हैं उसका बाद लाइट बीम इनो रूप में तमाम जीव प्रकृति प्रकृति के कर्म में संचारित हो जाए ये निमित्त और उपादान उपादान इंग्रेडिएंट मैटर सब लेकर ये दोनों लेकर निमित्त और उपादान ये दोनों लेकर पुरुष का इच्छा का अनुसार सृष्टि होता है। ये जो निमित्त कारण ये जो निमित्त कारण उपादान कारण है दोनों को लेकर पुरुष का जो इच्छा है इसके द्वारा इस सृष्टि शुरू होता है। निमित्त और उपादान लेकर ही पुरुषेच्छा पुरुष का इच्छा का अनुसार सृष्टि होते हैं सृष्टि होता है। निमित्त ही माया है और अर्थात योनि और उपादान जो है शंभु है लिंग। ब्रह्म संगीता का ये जो श्लोक है इसका बड़ा सुंदर व्याख्या है इसमें 8 नंबर श्लोक या योनि सा पराशक्ति ही इसका बारे में ब्रह्म संगीता का जो भी है। तो माया निमित्त कारण जो है ये माया अर्थात योनि और उपादान जो इंग्रेडिएंट ये शंभु लिंग वो महाविष्णु पुरुष अर्थात इच्छामय कर्ता और दब्रमय महाविष्णु जो है पुरुष है अर्थात इच्छामय कर्ता है द्रव्यमय प्रधान जो है द्रव्यमय प्रधान रूप तत्व उपादान द्रव्यमय प्रधान रूप जो तत्व है ये उपादान है इंग्रेडिएंट है जिसके द्वारा सृष्टि संभव है। सिर्फ इन निमित्त कारण रहने से होगा नहीं निमित्त कारण और जो प्रधान दोनों मिलकर ही हो सकता द्रव्यमय प्रधान रूप तत्व उपादान एवं आधारमय तत्व माया एतत् उभय दोनों का संयोग के द्वारा इच्छामय भगवान की इच्छा के अनुसार प्रपंचों का निर्माण होता है। प्रपंच प्रकटन कारी श्री कृष्ण रूप ये पुरुष आदि पुरुष गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। फिर आगे चलकर 4 नंबर श्लोक में भगवान बताए कृष्ण भगवान बताए अर्जुन को सर्वजोनिषु कंतियो मूर्तयोः संभवन्ति या सर्वजोनिषु
मम जनिर महत ब्रह्म बताया। और यहाँ जो ये प्रकृति का अंदर में जो सर्वजोनिषु भगवान कह रहे हैं, अब तक तो ऐसा बताए कि मम जनिर महत ब्रह्म, अब इसका व्याख्या हो गया। आ सर्वजोनिषु कुंतियो मूर्तयो संभवंती, ये प्रकृति के अंदर में पुरुष प्रकृति योनि जिसके द्वारा तमाम जीवों का जन्म होते रहते हैं। ध्यान से विचार करने से देखा जाता है हमारा माँ, किसी का माँ, जो माँ है मूल मूल प्रकृति देवी माँ, क्योंकि शरीर ये जो मेटेरियल शरीर, ये मेटेरियल शरीर का आधार पर मैं माता पिता ये विचार करता हूँ, लेकिन ये जो शरीर है ये प्रकृति है, हमारा मैया का शरीर, आपका मैं, किसी का मैया का शरीर, ये प्रकृति है। तो विचार करके देखने से हमारा माँ, किसी का माँ वो तो है ही है, जीव जानवर का माँ सारे है, लेकिन मूल विचार करे तो ये प्रकृति है, यही माँ। सर्वजोनिषु कुंतियो मूर्तयो संभवन्ति या तासाम ब्रह्मो महत योनि रहम बीज प्रदे अहम रहम बीज प्रदो प्रीता। क्या बताए, सर्वजोनिषु कुंतियो मूर्तयो संभवन्ति या, हर जगह से जो उत्पत्ति होते रहते जीवों का, तमाम जीवों का, सर्वजोनिषु कुंतियो अलग अलग सा मूर्ति पकड़ कर जन्म होना, ये संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीजो प्रदो पिता। ये जो शरीर का जन्म लेना, तरह तरह का जीवात्मा का एक एक कर्म फल के अनुसार जन्म लेना, देव तिरजक जंतु जंगली जानवर कुछ भी हो, ये सारे जो प्रकाश है वास्तविक रूप से ब्रह्म रूपा जोनी से ही होता है, प्रकृति जोनी। कामाख्या का तत्व तो अगर कोई समझे तो समझेगा, बाकी आदमी नहीं समझेगा। कामाख्या देवी का वहाँ का तत्व तो समझे तो समझेगा, वहाँ है जो भी है। ये जो देव तिरजग आदि, देव तिरजग जंतु जानवर कोई भी जनी में जन्म होने का जो प्रसंग है, ये सर्वो समस्त योनि सर्वयोनि में इतना मूर्ति लेकर एक एक जीवात्मा प्रकट होते रहते हैं, ब्रह्म रूपा योनि ये माता है, अर्थात प्रकृति माता। अमावीची का तिथि में प्रकृति मैया का शरीर खराब रहती है, ब्रह्म रूपा जो जनी ये समस्त ये सकल सब जीवों का माता, ओरिजिनल माता ये। और ऐसे और भी ओरिजिनल विचार करो तो तमेव माता च पिता तमेव, भगवान चौके तो कोई है ही नहीं, तो ये तो विचार। तो ब्रह्म रूपा जनी जो है ये तमाम जीव, देखा जाता है किसी ने कोई है ना, किसी को जन्म दी, किसी ने किसी को जन्म दी, लेकिन विचार है ब्रह्म रूपा जनी ये सब कोई का माता, क्योंकि चैतन्य विग्रह स्वरूप मैं जो हूँ, भगवान कहते हैं चैतन्य विग्रह स्वरूप, चैतन्य विग्रह स्वरूप, ये जो चैतन्य विग्रह स्वरूप जो है मैं जो हूँ, ए बीज बीज प्रदो पिता, पिता का जो काम है बीज प्रदान करना, मैं ये करता हूं। तो सर्वजोनी सुकंतियो मूर्तयो संभवंति या, सर्वजोनी सुकंतियो मूर्तयो संभवंति या तासाम ब्रह्म महद जोनिर रहम बीजो प्रदो पिता। पहले वाला श्लोक में भगवान सृष्टि समय में, पहले वाला श्लोक में भगवान
सृष्टि का समय सृष्टि काल में महत ब्रह्म प्रकृति जिसका बारे में पहले बताया था मम जनिर महत ब्रह्म, ये जो बताए प्रकृति रूपा मातृ स्वरूपा, ये जो जनी और बीज रूप बीज जो आधान कर देते हैं और पितृ स्वरूप बोल के यावतीय जन्म परिग्रह मूल बीज बीज जो आधान करते हैं, इसलिए इसलिए बीज जो आधानकारी पितृ स्वरूप बोल के भगवान कहते हैं कि बीज अहम बीज प्रदो पिता, इसलिए कह रहे हैं ये पिता सर्वदा सब समय हर समय केवल सृष्टि काल में नहीं देवादि जावतीय जन्म परिग्रह का मूल में जो है मूल पिता स्वरूप, यहाँ तक कि ब्रह्मा का भी पिता स्वरूप भगवान है, यहाँ तक कि ब्रह्मा का भी पिता विचार किया जाए तो ब्रह्मा का भी पिता भगवान ही है, पृथ्वी स्वरूप देव जोनि आदि जो कुछ भी है और प्रकृति जो है मातृ स्वरूप है, इसी विषय में खुलासा कर रहे हैं। इस विषय में जीव बा प्रकृति, जीव या प्रकृति किसी का अपना कोई सतत कर्तृत्व नहीं है। इस विषय में जीव और प्रकृति किसी को भी सतत कर्तृत्व नहीं है, ये समझना जरूरी है। चिन्मय जीवात्मा का स्वतंत्र जरूर है, लेकिन इसका जो चर्चा हुआ था बहुत पहले जो है ठीक है, जीवात्मा चिन्मय है इसका स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन यहाँ जो बात है ये चर्चा हो रहा है, यहाँ कहने का मतलब है अपना कर्मफल का अनुसार जो जन्म प्राप्त करना, इसमें उसका कोई स्वतंत्र भाव नहीं है। मैं मतलब ये है मैं अगले जन्म में कैसे कैसे जन्म लेके एनो शरीर पकड़ के आने वाला, ये सब कार्य में कोई कर्तृत्व नहीं, आई बात समझ में। ऐसे तो चिन्मय जीवात्मा तो है ही है स्वतंत्र, ये स्वतंत्रता का मिस यूज करने का कारण अभी अगले जन्म में किस योनि में प्राप्त हो इसका बारे में इसका कोई पर्सनल कोई च्वाइस नहीं है। इसीलिए बताया कि जीव और प्रकृति इसका इस विषय में कोई स्वतंत्र इच्छा कोई नहीं हो सकता। जिस स्थान के जैसे स्थिति में कैसे भी हो किसी का जन्म हुआ, चाहे देव जोनि प्राप्त हुआ, मनुष्य जोनि, पशु जोनि, पक्षी जोनि, इसको भी हो, इसमें प्रकृति ये सब कोई का मूल मातृ स्वरूपा और परमेश्वर मूल पिता स्वरूप। जब भी हमारा सब कोई का पिता अलग अलग सब पिता दिखाई जाता, लेकिन ओरिजिनल पिता भगवान और माता प्रकृति जो भी है। भगवत में भी बहुत है, जन्म जनेन जनेन इत्यादि श्लोक है बहुत सारे। अगले श्लोक में 5 नंबर श्लोक में कहते हैं जे सत्यम रजस्तमो इति गुणः प्रकृति संभवः निबन्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। ये जो सत्यम रजस्तम इति गुणः अभी आया, ये प्रकृति का त्रिगुण का विषय, ये जो सत्यम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः, ये जो सतो रजो तम आदि गुण जो है, पहले जो शुरुआत में बताया था ना, ये तमाम जो है काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भा महासन महापना विद्युन मेनम बैरियम तो ठीक है, लेकिन इसका भी मूल में जाओ तो देखो कि प्रकृति का जो तीन गुण है सतो रजो तमो है, ये तमाम दुनिया को नचा रही है भूतों का माफी। तो ये 5 नंबर श्लोक में भगवान बताएं जे सत्यम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः। हे अर्जुन, ये सतो रजोत्तम ये जो तीन गुण हैं ये प्रकृति संभवः है, ये प्रकृति से आई हुई है, प्रकृति मैटर है,
प्रकृति संभवा। और ये निबध्नन्ति, इसके द्वारा ही बंधन होते रहते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अभ्यम, ये गुणोत्रय है, ये गुणोत्रय जो है, ये गुणोत्रय जो है, ये शरीर का अंदर में जो बंधन है जीवात्मा के, ये कारण है। सत्तम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः, और ये प्रकृति संभव सतरजतम गुण जो है, इसके द्वारा ही बंधन का शुरुआत। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम, देहो क्या है, देही क्या है, क्षेत्रों क्या है, क्षेत्रों को क्या है, सब सारे बताया। देहो मतलब ये शरीर, देही मतलब इसका अंदर में जो जो पुरुष है, जीवात्मा पुरुष है, ये देही है शरीर प्रकार के। तो इसका अंदर में ये देही को कैसे कैसे बंधन में डालती है, ये प्रकृति का तीन गुण, ये बड़ा तजीब का बात, अजब का बात है। सत्यम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः, और निबध्नन्ति बंधन में डालते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो देहे, शरीर का अंदर में जो शरीर का अंदर में बद्धजीवों का पैदा, शरीर का अंदर में बद्धजीवों का पैदा होना, कर्म फल को भोग करना, तमाम जो चीज़ है ये बंधन है। निबध्नन्ति ये तीन गुण के द्वारा ही होता है। कैसे होता है, देहे देहिनम अभ्यम, क्योंकि अभ्य मतलब है जिसका का व्यय नहीं है, डिप्रिशिएशन नहीं है। अभ्य मतलब निर्विकार, जिसका कोई विकार नहीं है, डिप्रिशिएशन नहीं है। तो जीवात्मा का तो स्वरूप विचार करें तो कोई डिप्रिशिएशन है नहीं, जीवात्मा का स्वरूप का विचार करें तो इसका अंदर में डिप्रिसिएशन हो ही नहीं सकता, विकार रिएक्शन डिफॉर्मेशन विकार नहीं हो सकता। इसलिए अव्यय बताएगा जो जीवात्मा खमाखा बंधन में आ अपना कर्म फल के अनुसार। सो सत्यम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः, ये जो सतो रजतम गुण है अर्जुन, ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है और इसी बंधन का कारण यही है। निबध्नन्ति महाभाव, ये महाभाव अर्जुन यही बंधन में डालने का कारण है, मूल कारण। निबध्नन्ति महाभाव देहि देहिनम अव्ययम, इसके लिए भी कर्मफल कारण है। और ये गुण क्या क्या चीज है, ये जो गुण है, ये जो इसका बाद गुण क्या क्या है, सतोरजतम गुण का बारे में चर्चा होगा विस्तृत रूप में। गुण क्या क्या है और पुरुष को कैसे बंद करें, पुरुष तो चिन्मय है, इसको कैसे बंद करें, पुरुष कैसे कैसे संग होता है, आसक्ति होता है गुणों का, और कैसे तीन गुणों के अंदर में फंस जाते हैं, सत्तादि तीन गुण का धारा, प्रकृति का ये तीन गुण का धारा फंस जाते हैं बंधन में डालते हैं अपने को। और इसके बाद अविवेक के द्वारा, ये जिसका श्लोक का शुरुआत किया था ना, जावत लिंगन नितो ही आत्मा तावत कर्म निबंधनम ततो विपर्ययो क्लेशो माया जोगो अनुवर्तते, और मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरा क्लेश है, कष्ट है, ये सारे बद्धजीवों का भाव है। तो ये जो है कैसे, मैंने पहले विचार है गुण क्या क्या है, किसका है गुण, और ये गुण पुरुष को कैसे बंधन में डालते हैं, कैसे बंधन में डालते हैं, इसका बारे में चर्चा हो रहा है। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अभ्यम, अभ्य ये शरीर को कैसे कैसे बंधन में डालते हैं। अपना कर्मफल का अनुसार प्रकृति का प्रभाव के द्वारा
ये अपने आप को अपना कर्मफल को प्रस्तुत करते हैं, आपका अपना कर्मफल के अनुसार अपने बंधन के डालते हैं, तो प्रकृति ब्राह्मण का ये जो त्रिगुण है ये सब ये कारण है। और प्रकृति का जो सम अवस्था बैलेंस अवस्था, प्रकृति का जो बैलेंस अवस्था, प्रकृति का जो बैलेंस अवस्था है सतरज तमोगुण, प्रकृति का जो सतरज तमोगुण का जो बैलेंसिंग अवस्था है ये सम अवस्था, सतरज तमोगुण का जो सम अवस्था है इस समय सृष्टि का कुछ नहीं बचता। प्रकृति का जो ये गुण है सतरज तमोगुण, ये सतरज तमोगुण का जो बैलेंसिंग अवस्था है इसमें कोई खोब नहीं, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब प्रकृति का त्रिगुण का खोब हो उत्पन्न होता अर्थात डिफॉर्मेशन, इस समय प्रकृति से ये जो हिरण्यगर्भ आदि सब बताए, ये जो सृष्टि का जो एक जो वातावरण पैदा हो जाता ये ऐसे होता है। लेकिन जब सतरज तमोगुण का जो बैलेंसिंग अवस्था है इसमें सृष्टि का कुछ नहीं दिखा जाता है, ये न्यूट्रल अवस्था है। और ततस्था शक्ति जो जीवात्मा है, ये तमाम जो जीव कृष्ण बहिर्मुख होने का कारण माया का त्रिगुण के द्वारा जरा प्रकृति का आश्रय लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और प्रकृति का गुण समूह वही अव्यय आत्मा चित स्वरूप जीवात्मा को प्रकृति जातो प्रकृति प्रकृति से एक शरीर लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे तो मोटा शरीर नहीं प्राप्ति करने से होता नहीं, इसलिए कर्मफल भोग के लिए मोटा शरीर अर्थात ये पांच भौतिक शरीर को दिया जाता है। चित स्वरूप जीवात्मा को प्रकृति जातो ये जो शरीर है इसमें अध्यास उत्पन्न होने के कारण बंधन पक्का हो जाता है। जब ये बंधन हो जाता है लेकिन ये बंधन टिकता नहीं, अगर साधु संग करे तो ये बंधन टिकता नहीं। साधु संग माया का त्रिगुण का बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता है, साधु गुरु कृपा बिना ना देखिए उपाय। साधु गुरु कृपा बिना मायारे कोरिया जाए छारानो ना जाए, साधु गुरु कृपा बिना ना देखी उपाय। साधु गुरु वैष्णव का कृपा के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सो त्रिगुण का संग मतलब बंधन। और छ नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तत्रो सत्यम निर्मलत्या प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनांती ज्ञान संगेन चानघ। तत्रो इस विषय में भगवान कह रहे हैं तत्रो सत्यम निर्मलत्यात किसी का अंदर में सत्वगुण का अगर प्रकाश हुई, इसका मतलब क्या है? तत्रो सत्यम निर्मलत्यात, हृदय अगर थोड़ा बहुत निर्मल होते रहे, निर्मल मतलब एब्सोल्यूट निर्मल नहीं, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, तो उस समय में तत्रो सत्यम निर्मलत्यात, हृदय जितना जितना निर्मल होते रहेगा तो उसका समय उस समय में सतगुण का प्रादुर्भाव कोई विचित्र नहीं है, सतगुण का प्रादुर्भाव होना संभव है। तत्रो सत्यम निर्मलत्यात प्रकाशकम अनामयम हे निष्पाप, ये त्रिगुण का अंदर में हे निष्पाप अर्जुन, ये त्रिगुण का अंदर में ये निर्मलत्वात निर्मलत्व हेतु, निर्मलत्व हेतु ये प्रकाशमय है ये सतगुण, निरुपद्रव शांतगुण शांत सत्वगुण, और ये भी बंधन का कारण है। सतगुण आ गए हाँ, उसका मतलब मैं बंधन से छूट कर नहीं, ऐसा नहीं, सतगुण की बंधन या भगवान कह रहे हैं छ नंबर श्लोक में
तत्रो सत्यम, इस विषय में भगवान चर्चा कर रहे हैं। सतगुण जब निर्मल हृदय होते रहता है माने धीरे धीरे, तो ये इसका यदि निर्मल होने का साथ साथ ये सतगुण का प्रादुर्भाव है, ये प्रकाशमय है, कुछ करना चाहता है, हैं प्रकाशमय ज्ञानमय, वो ज्ञान भी मेटेरियल ज्ञान। ये जो तत्रो सत्यम निर्मलत्यात् प्रकाशकम अनामयम, इसमें झमेला झंझाट झमेला कम रहता है, और सुख संगेन बदनंती ज्ञान संगेन चानगा। हे अर्जुन, ये सुख ये कोई झमेला नहीं चाहता, इस समय में सुख शांति से रहना चाहता है। सुख संगेन बदनंती मतलब बंधन तो जरूर है, लेकिन बंधन कैसा बंधन है, पहले सुख संगोन है, सुख संगेन, इस समय झमेला झंझट नहीं चाहता है। वो जीवात्मा जो शरीर पकड़ के अगर किसका अंदर में सतगुण का प्रादुर्भाव हुई ना, उस समय में इसका अंदर में झमेला झंझट में पड़ने का इच्छा नहीं होता, शांति रखता है। तो सुख संगेन बदनंती, लेकिन ये जो सुख है ये भी बंधन का कारण है। सुख संगेन बदनंती और जो ज्ञान संगेन चानग, इसका अंदर में ज्ञान पैदा होने का जो व्यवस्था है, ये ज्ञान भी निर्मल ज्ञान नहीं है, ये मेटेरियल ज्ञान है। मतलब मेटेरियल जगत का जितना ज्ञान है, ये सब ज्ञान संग्रह कलेक्शन, ज्ञान ज्ञानी होने का प्रयास होता है अंदर। तो सुख संगेन सतगुण का प्रादुर्भाव के द्वारा जो जे सुखी होने का जो एक इच्छा, ये भी बंधन का कारण। सुख संगेन बदनंती और ज्ञान संगेन, जितना भी ज्ञान का चर्चा करो, ज्ञानी होने का प्रशिश करो, लेकिन ज्ञान संगे के द्वारा इसका बंधन ही पक्का है। पक्का बात कहो तो ये जो तीन गुण है, सतरो जो तमोगुण है, ये जब सतोगुण का प्रभाव है, सतोगुण का प्रभाव के समय रजोगुण और तमोगुण का बिल्कुल स्पर्श नहीं है, ऐसा नहीं है। सतोगुण का प्रादुर्भाव प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर, हाँ ऐसा बोला जाए, एट प्रेजेंट सतोगुण इज द प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर, ये बोला जाए। सतोगुण का प्रादुर्भाव मतलब सिर्फ सतगुण है और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। सतोगुण का प्रादुर्भाव का मतलब है सतोगुण का प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर बन के रहे, अर्थात सतोगुण ज़्यादा है। हाँ तमोगुण हो सकता बहुत लेस परसेंटेज, बहुत कम, सतोगुण और रजोगुण ऐसा हो सकता। प्रकृति का जो सतोगुण है ये कंपैरेटिवली, ये जो तत्रो सत्यम निर्मलत्यात्, ये अगर किसी ने तर्क उठाए मारे लिखा है तीन निर्मलत्यात्, ये निर्मल है, इसीलिए टीकाकारों ने व्याख्या करके बताया। अच्छा ठीक है, निर्मलत्यात् लिखा हुआ है, लेकिन ये निर्मलत्व जो लिखा हुआ है इसका कारण क्या है, ये निर्मलत्वात् ये जो लिखा हुआ है इसका कारण है निरुपद्रव। कंपैरेटिवली जो है तुलनामूलक तुलना किया जाए तो इसमें बेहतर है, बहुत सुंदर, खराब नहीं है। निरुपद्रव शांतो सत्वगुण और देही जीव को ज्ञान संग्रह करने का, ज्ञान प्राप्ति करने का रास्ते में ले जाता है, प्रेरणा देता है, और सुख प्राप्ति कोई झमेला झंझट में नहीं पड़ने का इच्छा पैदा होता है। और शुद्ध सतगुण संपन्न जो गुरु वैष्णव है, ये लोगों का विचार क्या है, ये लोगों का विचार है तुम्हार सेवाए दुख है यो तो सेवो तो परम सुख। भगवान गुरु वैष्णव का सेवा में जितना सारे कष्ट होता है ये भी अच्छा है, ये शुद्ध भक्तों का विचार है। लेकिन एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो हो रहा है ये प्रकृति मेटेरियल जगत का जनरल आदमी है इसका बारे में। सो तत्रो सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम और सुख संगेन निर्मन्ति, सुख शांति प्राप्त करने की इच्छा में बंधन पक्का है, और निबंधनति मतलब बंधन पक्का है, और ज्ञान संग ज्ञान प्राप्त करने का इसका इच्छा है मेटेरियल ज्ञान
आदि ये हो सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे निष्पाप, एक गुणोत्रय के अंदर कंपैरेटिवली निर्मलत्व हेतु ये प्रकाशमय होता है, और निरुपद्रव इसमें झमेला कम है, और शांत सत्वगुण संपन्न है, फिर भी ये सत्वगुण निर्मल नहीं है, बिल्कुल निर्मल नहीं है, थोड़ा बहुत निर्मल है लेकिन एब्सोल्यूट निर्मल नहीं है। और बद्ध जीव को सतोगुण आने का सतमुन जब सतोगुण प्रीडोमिनेट जब सतोगुण प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर बन के रहे जब सतोगुण प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर बन के रहे उस समय सुख शांति से जिंदगी गुजारने की इच्छा पैदा होती है, और इसका साथ ज्ञान प्राप्ति होने का मेटेरियल जितना सारे साइंटिस्ट है ये हैं कलाकार हैं सारे ये जो है ये सब जो है ज्ञान प्राप्ति करने का ये सब सतगुण ज्यादा हो सकता है इसका अंदर में। इसीलिए और रजोगुण का जब वृद्धि हो, प्रकृति का गुण समुद्र है, ये प्रकृति का गुण समुद्र में हर आदमी जो है डूबा हुआ है, तो इसमें रजोगुण का वृद्धि हो, लहर का साथ तुलना किया गया, रजोगुण पैदा हुई प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर सतोगुण और तमोगुण को धक्का लगाकर इसको फेंक दिया, और इसके बाद रजोगुण अपना प्रभाव जमा रहा है। ऐसा करके जब तमोगुण का प्रभाव है तो तमोगुण का प्रभाव ज्यादा, इस समय तमोगुण प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर बन के रजोगुण और सतोगुण को हटा देते हैं, ऐसा ही है। तो अगले श्लोक में बताया भगवान रजो रागात्मकम विद्धि, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगो समुद्भवम, और निबद्धंती कुंतियो कर्म संगेन देहिनाम। हे अर्जुन, ये जो रजोगुण का बारे में चर्चा हो रहा है, रजो रागात्मकम, राग माने रजो रागात्मकम माने इसकी इच्छा है, भोगने का इच्छा पीछा जो है ये रजो रागात्मकम विद्धि, ये रागात्मकम विद्धि अनुराग स्वाभाविक जड़ विषय में स्वाभाविक इसका प्रवृत्ति इंटेंसिटी। रजो रागात्मकम विद्धि, रजो को रागात्मक मानो, और ये तृष्णा अंदर में कामना वासना की तृष्णा है, ये तृष्णा संग समुद्भवम, अंदर में कामना वासना का अगर प्रभाव है तो रजोगुण का अगर प्रभाव है, अगर अंदर में रजोगुण का प्रभाव है इस समय कामना वासना का जो इन कामना वासना रहना कोई विचित्र नहीं है। रजो रागात्मकम विद्धि अतृष्णा संग समुद्भवम, अंदर में जो कामना वासना का तृष्णा है इच्छा, ये जो तृष्णा आसक्ति जो है इससे उत्पन्न होने वाला, अर्थात रजोगुण मतलब रजोगुण जीव, रजोगुण कोई बद्ध जीव को कर्म में आसक्ति करके कर्म में आसक्ति दिलाने वाले, और इसीलिए रजो रागात्मकम विद्धि और तृष्णा संग समुद्भवम, विभिन्न कायन इच्छा आशा कर्म का आसक्ति में डालते हैं। तन निबद्धंती कंतियो कर्म संगेन देहिना, और जितना सारे रजगुण हैं जैसे ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को रजगुण से रंगाया हुआ है ब्रह्मा, इसलिए सृष्टि कर्म ये करो वो करो कर्मों का इन कर्म का आसक्ति में डालते हैं सृष्टि कर्म में। हे कंतियो, ये रजगुण का जो अनुराग आत्मक जो तृष्णा अच्छा बुरा करने का जो इच्छा पैदा होती है, ये आसक्ति से ये राजगुण का उद्भावन जन्म है।
यही रजोगुण देही जीवों को कर्मों कर्मों का आसक्ति में कर्म करने में लगा देते हैं, कर्मों का आसक्ति में आबद्ध कर देते हैं। सो रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निबदनंति कंतियो कर्म संगे न देहिना। कर्मों का संगों के द्वारा ये रजोगुण जीवात्मा को बंधन में डालते हैं। एक समुन्दर जैसा इसमें लहर है, इसमें सतोगुण का प्रभाव आई तो इसमें क्या रजोगुण तमोगुण का है ना प्रभाव कमती हो जाती, फिर उसका बाद रजोगुण का अगर प्रभाव आए लहर इसमें सतोगुण तमोगुण का प्रभाव कमती हो जाए, फिर तमोगुण का प्रभाव लहर आए तो गुण गुण के साथ टक्कर होता है ऐसे। रजो मतलब राग, रजो हो मतलब राग, राग मतलब अनुराग आसक्ति। स्त्री और पुरुष का परस्पर संज्ञाभिलाष रूप होता है ये, स्त्री और पुरुष का परस्पर म्यूचुअल जो संज्ञाभिलाष स्वरूप स्वरूप ये रजोगुण है, क्योंकि रजोगुण वृद्धि का साथ साथ ये तृष्णा और संग रूप कार्योद्वय, रजोगुण वृद्धि का साथ साथ ऑटोमेटिकली तृष्णा भोग का वासना पैदा होना और संग प्राप्त होने का जो इच्छा अर्थात तृष्णा और संग रूप कार्योद्वय ये ऑटोमेटिक हो जाता है। कारण ये रजोगुण का साथ अभिन्न है, साइमल्टेनियस जो होता है तृष्णा और संग रूप जो ऑटोमेटिक साइमल्टेनियस इसका साथ हो जाता है। ये रजोगुण का साथ रजोगुण के द्वारा तृष्णादि उत्पादक ये रजोगुण के द्वारा शब्दादि विषय में स्पर्श शब्द आदि विषय में भोगाभिलास भोग एंजॉयमेंट्स प्रिया तृष्णा और पुत्रो मित्रादि का कांटेक्ट में संयोग में पुत्रो मित्रो संग संयोग होने का अभिलाष पुत्रो मित्रो भाई बंधु के साथ मित्रादि का साथ संयोग अभिलाष ये एक संग है, ये इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ संग, इसको भी संग माना जाए किसी के साथ संग करना पुत्रो मित्रो बंधु भाई बंधु के साथ संयोग होना इसका अभिलाष है, ये भी संग है। संग अर्थात भक्ति में ठाकुर ने व्याख्या की संग मतलब प्रीति विनिमय आसक्ति विनिमय। ये दू जो है उत्पत्ति जहां से होता है राग तृष्णा और संग मिलने का इच्छा, ये सारे रजोगुण से ही होता है, दूसरा जगह से नहीं है। रजोगुण के द्वारा क्या होता है, रजो युक्तस्य मनसः संकल्पो स्वविकल्पकः। भागवत जी महापुराण बताया रजो युक्तस्य जे रजोगुण से सारा योग हो गया अर्थात जिसका अंदर में रजोगुण का प्रभाव फैल गया, ये मन की द्वारा संकल्प विकल्प आदि होते रहेगा, इसमें कोई विचित्र नहीं है। और अकॉर्डिंग टू दैट इसी अनुसार आगे चलते रहे। तो ये रजोगुण जो है संगो आसक्ति इसके द्वारा बंधन में डालते हैं, कर्म आसक्ति और संगो के बंधन में डालते हैं। सो तत्र तो क्या बताया, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगो समुद्भवम रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगो समुद्भवम तन निबदनंति कंतियो कर्म संगे न देहिना। कर्म संगे के द्वारा ये कर्म संग में डालने वाले। उसका बाद 8 नंबर श्लोक में बताया भगवान जो
तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। आर प्रमाद आदर्शो निद्राभी स्तन निबदनंती भारत। भगवान कह रहे अर्जुन तमस्तु अज्ञानजम, ये तमगुण का जो प्रभाव है बिल्कुल अज्ञान से उत्पन्न होने वाली तमगुण। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि अज्ञान से उत्पन्न होने वाली है तमगुण। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। सब तमाम जीवों को मोह प्राप्त कराने वाले, तमाम जीवों को मोह प्राप्त कराने वाले। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, मोह प्राप्त करा दे। और प्रमाद आलस्य, प्रमाद आलस्य निद्रा। प्रमाद माने भूल भाल, उल्टा सीधा करना, प्रमाद कर जो करना, जो समझने का जो समझना चाहिए था उल्टा समझा, ये प्रमाद आलस्य। ये जो प्रमाद है, ये प्रमाद आलस्य और निद्रा, इसके साथ तमगुण ये जीवात्मा को जोड़ देते हैं, आबद्ध कर देते हैं। तमाम जीवों को, भक्ति में ठाकुर कह रहे तमाम जीवों को, तमाम जीवों का अंदर में मोहनकारी, मोह प्राप्त कराने वाले और सर्व जीवों का और क्या है, मोहनकारी अज्ञान जातो गुण को तमो बोल के समझना उचित है। ये तमो क्या है, ये मोह उत्पादन का है। और ये प्रमाद आलस्य और निद्रा के स्वाद तमगुण को आबद्ध कर देता है। तमहस्तु अज्ञानजम विद्धि, तमहस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन निबध्नन्ति भारत। तो तमगुण तो हंसते हंसते खेलते खेलते बंधन में डाल दें। तमगुण का जो बंधन में डालने का जो है सबसे बड़ा तगड़ा है तमगुण। नौनम श्लोक में भगवान कह रहे हैं सतोगुण के द्वारा जीवों का जरूर बंधन होता है। सतो सुख के द्वारा ज्ञान प्राप्ति करने का, मेटेरियल ज्ञान प्राप्ति करने का इच्छा है, ये जो सत्यम सुखे सत्वगुण सुख के द्वारा बंधन करते हैं। रजो कर्म बंधन में डालते हैं, कर्मणि कर्माशक्ति में। सो सत्यम सुखे संजयति रजह कर्मणि भारत आर ज्ञानम आवृत्त तु तमह प्रमादे संजयति उत। हे भारत, सतगुण जीवों को सुख में आबद्ध कर देते हैं, सुख शांति में। आर रजगुण कर्म में आसक्ति कर देता है, रजगुण कर्म में आबद्ध हो जाता है। और तमगुण, ये तमगुण ज्ञान को आवरण कर देता है, कवरिंग कर देते हैं। तमगुण ज्ञान को आवरण कर देते हैं और प्रमाद के साथ अज्ञान के द्वारा बंधन में डालने वाले। सो सत्यम सुखे संजयति रजह कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्त तु तमह प्रमादे संजयति उत। सतगुण जीव को सुख का चाहत में बंधन कर देते हैं,
और रजोगुण कर्म में आबद्ध कर देते हैं और तमोगुण प्रमाद में आबद्ध कर देते हैं। इसका कोई रास्ता नहीं है। सतरजगुण सतरज तमोगुण का जो ये जो संबंध है इसमें गुरु वैष्णव का कृपा के अलावा बाँचने का कोई रास्ता नहीं है। ये एडमिस्टर है हर आदमी, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसका अंदर में सिर्फ रजोगुण है, तमोगुण सतोगुण नहीं, तमोगुण और रजोगुण नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी का अंदर में सिर्फ रजोगुण है और सतोगुण और तमोगुण नहीं है, हो ही नहीं सकता। सारे एडमिस्टर है, पूर्व पूर्व कर्मफल का अनुसार सतोगुण सर्टेन परसेंटेज में जब ज़्यादा प्रभाव है तो सतोगुण प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर और रजोगुण है जरूर है, उसका अंदर में कम है रजोगुण तमोगुण। और सत और रजोगुण का प्रभाव अगर फैले तो सतोगुण का प्रभाव कम ही रहे और रजोगुण का प्रभाव भी कम ही, ऐसे एडमिक्सचर है। रजोस्तमश्चाभिभूयो सत्यम भवति भारत। भगवान कह रहे हैं कि इसको पराजित करने का क्या रास्ता है। अगर कोई पूछे महाराज त्रिगुण से, अगर कोई कहे कि महाराज त्रिगुण से बचने का क्या रास्ता है, अगर ये तीन गुणों के बाहर जाने का कोई रास्ता है, क्या रास्ता है, बोले पहले क्या करना पड़ेगा, रजह तमश्चाभिभूयो सत्यम भवति भारत, रजह सत्यम तमश्चैवो तमह सत्यम रजह तथा। क्या करना है, रजस्तमश्च सत्येन सत्यं च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुषो हि अंजसा जयेत। याद है ना, रजस्तमश्च सत्येन, रजो को सतो और तम गुण के द्वारा पराजित करो, रजस्तमश्च सत्येन और सत्य को क्या, रजस्तमश्च सत्येन रजो और सतो को तम है न, रजो एवं तमोगुण को सतोगुण के द्वारा पराजित करो और उसके बाद सतोगुण को भी पराजित करो, ये आदेश है। और सतोगुण को रजो तमो और सतोगुण सारे पराजित हो जाए, तमोगुण और रजोगुण के द्वारा सतोगुण को पराजित हो गए, ठीक है चलो, इसके बाद क्या है, सतोगुण का प्रभाव, असतोगुण को भी पराजित करके शुद्ध सतोगुण में अधिष्ठित होना है, हमको शुद्ध सतोगुण में प्रतिष्ठित होना है, रजोगुण में नहीं, तमोगुण में नहीं और सतोगुण में भी नहीं, बिल्कुल अंतिम में जाकर शुद्ध सतोगुण में प्रतिष्ठित होना जरूरी है। इसलिए भागवत में भी ये श्लोक है, हमने बताया था पहले, रजस्तमश्च सत्येन सत्यं च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुषो हि अंजसा जयेत, बताया था, रजस्तमस्य सत्येन रजतम को सतगुण के द्वारा पराजित करो और सत को उपशमेन च, उपशम मतलब मेडिसिन, उपशम मतलब मेडिसिन रिलीफ होना, मेडिसिन के द्वारा रिलीफ होना, रिलीफ प्राप्त करना। तो यहाँ जो बताया रजस्तम सत्यन सत्यन च उपशमेन च, यहाँ उपशम मतलब एकादशी आदि तिथि पालन करो, गुरु सेवा करो, कुछ भी करो, ऐसा करते करते रजस्तम सत्यन सत्यन च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता, गुरु का अंदर में निष्ठा और भक्ति रहने से तमाम ये जो सतो रजतम गुण का प्रभाव हट जाए, उसका बाद शुद्ध सत्व में अधिष्ठित होने का सवाल है। इसका बाद शुद्ध सत्वगुण में अधिष्ठित हो जाना ये बड़ा विचित्र बात है। बहुत रजस्तमश्चाभिभूयो सत्यम भवति भारत, आ रजः सत्यम तमश्चेति तमः सत्यम रजस्तथा। हे भारत, जैसे सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के पराजित करके, सतोगुण रजो और तमो के पराभूत करके, पराजित करके
हैं सतगुण और रजोगुण और तमोगुण के पराभूत करके उद्भूत जो है धीरे धीरे पराजित करके शुद्ध सत में अधिष्ठित होना है। भक्तिमंत्र कह रहे हैं सतगुण जहाँ प्रबल है वहाँ रजोगुण तो स्वाभाविक रूप से हमने बता दिया, पहले ही चर्चा किया। तो ये जो है इसका बारे में बहुत सारे चर्चा है इसका अंदर में, कैसे तमोगुण से रिहा किया जाए, क्योंकि श्रुति में एक बात है, श्रुति में आहार शुद्धौ सत्वस्य शुद्धि, आहार शुद्धि नहीं होने से, आहार शुद्धि नहीं होने से सत्व शुद्धि होने का कोई चांस नहीं, आहार शुद्धि नहीं होने से सत्व शुद्धि होने का कोई चांस नहीं, और सत्व शुद्धि नहीं होने से कोई चांस ही नहीं, सत्व शुद्धि नहीं होने से और सत्व शुद्धि नहीं होने से विशुद्ध सतगुण का प्रादुर्भाव होना संभव नहीं। और ये जो आहार शुद्धि है, ये आहार शुद्धि का मतलब ये समझो केवल रोटी पानी, आहार शुद्धि का मतलब ये नहीं कि हमने नॉन वेज खाया नहीं, हमने तो शुद्ध आहार किया, लेकिन यहाँ जो विचार है इसमें इतना छोटा विचार नहीं है। यहाँ विचार है कानों के द्वारा आहार जो है भगवान का वाणी को सुनना, आँखों के आहार है सुंदर भगवान का चरण कमल को दर्शन करना, कानों के द्वारा भगवान की कथा सुनना, और भगवान अपना शरीर के द्वारा अगर कोई अगर धीरे 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 आँखों के द्वारा अगर भगवान का दर्शन करे, गुरु वैष्णव का धाम दर्शन करे, अर्थात आँखों का आहार सही होना चाहिए, तमाम इंद्रियों का आहार, तमाम इंद्रियों का आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आहार नॉन वेज खाना छोड़ दिया और वेज खाना शुरू कर दिया, ये नहीं, यह माने गहरा है। सो ये क्या मायने हैं, बोले सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, जिस समय इस शरीर का अंदर में श्रोत्रादि अर्थात श्रवणेन्द्रियों ज्ञानेन्द्रियों सारे जितना सारे हैं स्वरूप प्रकाश में ज्ञान उत्पन्न होते रहता है, उस समय सतोगुण वृद्धि प्राप्त तो हो गया और आना सुख प्रकाश रूप जो चिन्ह है इसके द्वारा सत्व का वृद्धि हो रहा है, ये समझ में आएगा। सर्वोद्धारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा, ज्ञानम यदा तदा विद्धि, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम स्वत्वम इति उतो, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम स्वत्वम इति उतो, सतोगुण के वृद्धि के द्वारा ये जड़ शरीर का अंदर इंद्रिय रूप ये जो द्वार है गेट है इसमें प्रकाश गुण का वृद्धि होता है, अर्थात इंद्रिय जो ज्ञान का जो एक्टिविटी है इसका इसका प्रभाव ज़्यादा होता है, अर्थात हर इंद्रियों का जो प्रभाव है ज़्यादा फैलता है, अपना अपना जो क्षमता है वो ज़्यादा होता है, आँखों के द्वारा दर्शन क्षमता जाता, कानों के द्वारा श्रवण मतलब सुनने का ज्ञान प्राप्ति करने का बहुत सारे, सर्वोद्धारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्वाद् वृद्धम सत्वम इति उतो, ऐसा करते उत्कृष्टो, कहने का मतलब है उत्कृष्टो सत्यादि गुण लक्षण, उत्कृष्टो सत्यादि गुण लक्षण तीन श्लोकों में वर्णना किया गया,
उत्कृष्टो सत्यादि गुण का जो लक्षण है ये सब वर्णन किया गया। कौन कौन लक्षण के द्वारा क्या समझा जाएगा इसका बारे में बताया। श्रोत्र नेत्रादि इंद्रियो द्वार के रास्ते में वस्तु का महत्व ज्ञान अर्थात ज्ञान का पोषक है। ये जो श्रोत्र है तच हमारा श्रवण इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय दर्शन इंद्रिय है, तमाम इंद्रिय जो है ये ज्ञान का पोषक होता है। मतलब ये ज्ञान आहरण करने में लग जाता है, उस समय सतोगुण का वृद्धि हुआ है ये समझ में आता है। और लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्म नाम अशमह स्प्रेहा रजसेतानी राजन्ते विवृद्धे भारतर सभा हे भारत सभा हे अर्जुन, जब देखोगे लोभ का ज्यादा लोभ ज्यादा पैदा होता है, लोभ है और लोभ ज्यादा पैदा होता है और डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग सा प्रयास प्रचेष्टा का उत्पत्ति कर्म में स्प्रिया कर्म समूह उद्यम और विषय भोग में अनिवृत्ति और ज्यादा विषय भोग करने का इच्छा और अपना एंजॉयमेंट अपना फ्यूचर को सिक्योर करने का इच्छा ये जो है ये जब रजोगुण का वृद्धि होता है तब ऐसा लोभ प्रवृत्ति आरंभ लोभ उत्पत्ति होता है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम अशमह स्प्रेहा रजसेतानी जायन्ते विवृद्धे भारत सभा जब रजोगुण का वृद्धि होता है उस समय अर्जुन लोभ का उत्पत्ति और लोभ का उत्पत्ति अलग अलग सा प्रयास प्रचेष्टा का उद्भव कर्म समूह में बंधन कर्म समूह का उद्यम और विषय भोग में ज्यादा स्प्रिया और इसमें असंतुष्टि जितना भी भोग कर संतुष्टि अनिवृत्ति असंतुष्टि मतलब अनिवृत्ति अनिवृत्ति और भोगाभिलाष ये सब जब वृद्धि होते रहे तो जरूर समझना कि ये रजोगुण का वृद्धि हुआ है। जैसे सतोगुण का वृद्धि के साथ साथ ये सब लक्षण बताए सारे रजोगुण का भी विशेष द्रष्टव्य लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम अशमह स्प्रिया रजसेत्वानी जायन्ते विवृद्धे भारत सभा। आगे चलकर 13 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं अप्रकाशो अवृत्तिश्चो प्रमादो मोहो एवच तमसेत्वानी जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन अप्रकाशो अप्रवृत्तिंच अप्रकाशो अप्रवृत्तिंच अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एवच तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एवच तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। तमगुण का वृद्धि होने का साथ साथ क्या होता है हे कुरुनंदन हे अर्जुन, तमगुण वृद्धि का साथ साथ क्या क्या सिम्टम है इसका बीमारी का क्या लक्षण बोले अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद मोह ये सब अलग अलग का सिम्टम दिखाई पड़ेगा। हे कुरुनंदन तम वृद्धि होने का साथ साथ अप्रकाश अप्रवृत्ति अप्रकाश अप्रवृत्ति अप्रकाश मने अप्रकाश मतलब विवेक अगर कमती हो जाए विवेक अगर कमती हो कॉन्शियसनेस का
ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए अप्रकाश का मतलब है विवेक अर्थात कॉन्शियसनेस का कमी हो जाना, ठीक है। अप्रकाशो और अप्रवृत्ति, अप्रवृत्तिश्च, अप्रवृत्ति मतलब क्या है, कर्म संबंध कर्मो संपादन में किसी की किसी चीज को करने में थोड़ा लेथर्जी, जिसको संस्कृत में बंगाली में दीर्घ सूत्री, अरे कलेंगे काल करेंगे, काल आए तो परसू करेंगे, ऐसा करके लेथर्जी, कोई कर्म करने का इसका इच्छा नहीं। तो ये अप्रवृत्ति मतलब है कर्म संपादन में अन आग्रह, बलदेव विद्यावसन जी ने बताया, उद्यम का अभाव है, किसी कर्म करने में इच्छा नहीं पैदा होती। और प्रमाद का मतलब है कर्तव्य विषय अनुसंधान रहित, प्रमाद का मतलब है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सही है नहीं है, इसका विस्तार में कोई ज्ञान नहीं रहना, इसका मतलब प्रमाद है। प्रमाद का मतलब मिथ्या अविनिवेश। श्रीधर स्वामी पाद जी ने बताए प्रमाद का माने है मिथ्या अभिनिवेश, बलदेव विद्यावसन में ऐसा, विश्वनाथ चक्रवर्ती भी मिथ्या अभिनिवेश बताया, मोह मतलब मिथ्या अभिनिवेश, मिथ्या अभिनिवेश मतलब जो सही नहीं है इस विषय में अभिनिवेश है, कंसेंट्रेशन ये करना। और मिथ्या अभिनिवेश बताया, ठीक है, मिथ्या अभिनिवेश मोह मिथ्या अभिनिवेश सीधा साई पर सारे जदा जयद रजह सत्यम तमो मूलम लयम जड़म, ये भागवत का श्लोक है, ये चर्चा है। जब विवेक नाश हो जाता है, विवेक नाशक है तमगुण, विवेक नाशक है तमगुण, विवेक को आवृत कर देते हैं आवरणात्मक जड़ तमगुण रजो सत्वगुण को पराभूत करके, शोक मोह निद्रा हिंसा आशा आकांक्षा मोह इसको वृद्धि कर देता है, ये सब लक्षण जब दिखाई पड़ता है तब यूं समझो कि तमोगुण का वृद्धि होगा, ये तमोगुणी है, इसमें समझ में आएगा। अप्रकाशो अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। तमोगुण वृद्धि होने के साथ साथ ये सब सारे सिम्टम जो है, सिम्टम सारे हैं, ये दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं। जदा सद्य जदा सत्य प्रवृद्धे तु प्रलयम जाति देहवृत तदो तदो उत्तम विदम लोकानम लोकानम मलानो प्रतिपद्धते। काल इस बस का चर्चा काल हो पाएगा जो भी है। जावलिंगन नित ही आत्मा तावत कर्मो निबंधनम ततो विपर्यय क्लेशो माया जोगो अनुवर्तते। जावलिंगन नित ही आत्मा, जावलिंगन नित ही आत्मा तावत कर्मो निबंधनम ततो विपर्यय क्लेशो माया जोगो अनुवर्तते। वांछा कल्पतरु वस्तु की पास पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमः।